हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन। सो फिजियोथेरेपी में डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कितने टाइप्स की होती है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक पर्सनल क्लासेस फ्रॉम मी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द मेल आई डी मैंशनड हेयर, दैट इज़ फिजियोथेरेपी क्लासेस 09@gmail.com। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ। तो हमें डिसेबिलिटी को इवैल्यूएट करना है, दैट इज़ द डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिसेबिलिटी। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ व्हाट इज़ डिसेबिलिटी। सो इट इज़ एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बींग। मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल एक नॉर्मल इंडिविजुअल बड़ी आसानी से 1 किलोमीटर भाग सकता है, और कोई दूसरा इंडिविजुअल है, ही इज़ डिसेबल्ड, वो 10 मीटर भी नहीं भाग पा रहा, दैट मीन्स द पर्सन हैज़ डिसेबिलिटी। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि अगर मान लो किसी हम ह्यूमंस हैं, हमारी भागने की लिमिट नॉर्मल जो है वो है कितनी, 1 किलोमीटर। बट अगर कोई दूसरा पर्सन है, वो अगर 10 मीटर भी नहीं भाग पा रहा है, दैट मीन्स ही इज़ नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट, क्योंकि नॉर्मल लिमिट तो 1 किलोमीटर तक की है, वो तो उससे बहुत कम भाग रहा है, तो दैट मीन्स द पर्सन इज़ हैविंग डिसेबिलिटी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसेबिलिटी। इवैल्यूएशन क्या होता है, मतलब उसको इवैल्यूएट करना, मेजर करना। तो जब हम डिसेबिलिटी को मेजर करते हैं, दैट इज़ नोन एज दी डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, नाउ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इनको हम PWDB कहते हैं इन शॉर्ट। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी एज सर्टिफाइड बाय अ मेडिकल अथॉरिटी। तो अब देखो, जैसे हम वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, तो नॉर्मल तो है 1 किलोमीटर, अब कोई भाग रहा है 10 मीटर, कोई भाग रहा है 50 मीटर, कोई भाग रहा है 100 मीटर, ये तो डिफरेंट हो गया। तो हम डिसेबिलिटी का बेंचमार्क क्या बनाएं कि हाँ भाई, जब इतना होगा तो ही वो डिसेबल होगा, या इससे कम होगा, या इससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। तो हमने बेंचमार्क क्या रखा, 40%। ठीक है ना, अब बच्चों डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो बहुत तरीके की हो सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी में देखो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, है ना, तो डिसेबिलिटी भी डिफरेंट तरीके की होगी। क्योंकि मान लो कोई, ये तो मैंने आपको कोई भाग नहीं पा रहा उसका एग्जांपल दिया, हो सकता है किसी को सुनने में बहुत प्रॉब्लम होती हो सकता है किसी को देखने में बहुत प्रॉब्लम होती हो, बिकॉज कोई सा भी सिस्टम इफेक्ट हो सकता है बॉडी का, है ना, तो इसलिए हमने डिसेबिलिटी को इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। नाउ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, अब बच्चों आपने सुना होगा कि लोगों को, किसी को पीठ में भी दर्द रहता है, किसी को सर में भी दर्द रहता है, फिर किसी को आँखों का भी प्रॉब्लम है, तो 2-3 बीमारियाँ मिक्स हो जाती हैं, है ना, एक ही पेशेंट की, भाई मुझे अस्थमा भी है, मुझे शियाटिका भी है, मुझे फ्रैक्चर भी हो गया था। तो जब ये चीज़ डिसेबिलिटी के अंदर होती है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। दैट मीन्स कि इस पर्सन को लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है, इसको हियरिंग में भी प्रॉब्लम है, इसको विजन में भी प्रॉब्लम है, तो दैट मीन्स ही इज़ हैविंग अ मिक्सचर ऑफ डिसेबिलिटीज़, सो दैट इज़ नोन एज द पर्सन इज़ हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। अब बच्चों, जो डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है ना, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक मेडिकल बोर्ड बनाया है। ठीक है, सो द एम्पावर्ड पर्सन टू गिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विल बी अ मेडिकल बोर्ड। अब पेशेंट जो है, पर्सन जो है, वो डिसेबिलिटी इवैल्यूएट कराने जाएगा किसके पास, मेडिकल बोर्ड के पास। क्यों? क्योंकि वो उसे एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देंगे कि ये रहा आपका सर्टिफिकेट, आप में इतना प्रतिशत डिसेबिलिटी है। ठीक है, सो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो, कौन कौन से मेंबर होने चाहिए, वन शुड बी अ स्पेशलिस्ट इन द पर्टिकुलर फील्ड फॉर असेसिंग लोकोमोटर, विजुअल एंड हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड लेप्रोसी क्योर्ड। सो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वही जो मेडिकल बोर्ड इशू करेगा, जिसके अंदर लिखा होगा पूरा उस पर्सन के बारे में इन डिटेल। ठीक है, देन उसका उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपका इतना इतना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द सर्टिफिकेट लुक्स लाइक। सो ब्रॉड प्रिंसिपल अगर हम बच्चों देखें डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन के, तो देयर आर 10 प्रिंसिपल्स। ठीक है,
सबसे पहला है फंक्शनल लॉस. सो इट इज़ असेसमेंट ऑफ फंक्शनल लॉस बेस्ड ऑन सम यूनिफॉर्म टेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम परमानेंट फिजिकल इम्पेयरमेंट कॉज ड्यू टू कंजेनाइटल और एक्वायर्ड कंडीशन. अगर एम्प्यूटेशन का केस है तो परसेंटेज इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पार्ट दैट इज लॉस्ट एंड एडिशनल वेटेज. नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट. सो द फंक्शन जो हम असेस करते हैं ड्यूरिंग डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन आर इन रिलेशन टू द डिजायर्ड फंक्शंस ऑफ द एनाटॉमिकल पार्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज नेचर सेक्स ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट इज द पर्सनल ओपिनियन. तो जब हम भी बच्चों डिसेबिलिटी इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तब हमारा पर्सनल ओपिनियन का कोई महत्व नहीं होता. हमें सिर्फ पेशेंट को देख के उसको अच्छे से जज करना है, मेजरमेंट्स लेनी है, देन वी हैव टू राइट डाउन. अपने तुक्के नहीं चलाने, ये होगा ये होगा ये होगा. सो देयर इज नो स्कोप फॉर पर्सनल ओपिनियन. नाउ वेयर टू डिसाइड परसेंटेज ऑन एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी. सो वेन एवर अ लिमिट टू परसेंटेज डिसेबिलिटी अ सर्टेन परसेंटेज लिमिट मे बी गिवन. फॉर एग्जाम्पल नो लॉस एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म नॉर्मली विदाउट असिस्टेंस. पार्शल लॉस activity can be performed partially with assistance. Total loss activity cannot be performed with assistance even. Now trick movement. बहुत सारे patients को आपने देखा होगा usually जब हम clinical settings में भी काम करते हैं कि patient जो है वो trick movement use कर लेता है. Trick movement क्या होती है बच्चों, कि मान लो आपको मैंने patient को बोला कि आपको नीचे झुक के कोई चीज़ उठानी है, बट पेशेंट क्या करेगा, थोड़ा टेढ़ा झुकता हुआ नीचे से चीज़ उठा लेगा. तो दैट मीन्स ही हैज़ ट्रिक्ड मी. उसने वो मसल यूज़ नहीं करी जो मैं करवाना चाहती थी. वो साइड से टेढ़ा होके घूम के आके उसने सामान उठा लिया. दैट इज़ रॉन्ग. तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज़ दी अथॉरिटी. सो एज पर द डिसेबिलिटी एक्ट अथॉरिटीज टू गिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विल बी अ मेडिकल बोर्ड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जिसके बारे में हमें हमने बात करी थी पहले. नाउ टेस्टिंग टूल एंड गाइडलाइंस. तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन के लिए उसके सर्टिफिकेट के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और टूल्स दिए जाते हैं. ऐसा नहीं आपने अपनी मर्जी से जैसे भी करके डिसेबिलिटी इवैल्यूएट करके लिख दी. नो, देयर इज अ प्रॉपर क्राइटेरिया गिवन फॉर दैट. नाउ व्हेन टू असेस. सो द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन डिसेबिलिटी शुड बी असेस्ड. जब वही सेम बात है कि अगर पेशेंट को किसी भी तरीके के इलाज से अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा, हिज बॉडी इज़ नॉट गिविंग यू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर अ सर्टेन ट्रीटमेंट जो पेशेंट ले रहा है, तब आप उसका डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन करोगे इफ़ द पेशेंट वॉन्ट्स. नाउ सर्टिफिकेशन इन कंडीशन ऑफ डिफॉर्मिटी विच इज़ लाइकली टू बी नोटिफाइड मॉडिफाइड बाय सर्जरी. सो इन केस ऑफ कंडीशन विच कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल प्रोसीजर्स नो स्ट्रिक्ट मेंशन इज गिवन. नाउ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट जो हम देते हैं पेशेंट को. सो इट्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन केस ऑफ टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी. अब बच्चों डिसेबिलिटी भी दो होती है, एक होती है टेम्प्रेरी एंड एक होती है परमानेंट. सो टेम्प्रेरी में इट इज़ वैलिड फॉर 5 years. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ट्रोमैटिक एम्प्यूटेशन द परसेंटेज में चेंज ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन एडिशनल फैक्टर्स एज पेन, न्यूरोमा, स्कार, इन्फेक्शन. परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए एक परमानेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि लाइफ लॉन्ग पेशेंट के साथ ही रहता है. देयर इज़ नो चेंज. अब बच्चों डिसेबिलिटी की बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है, कि जब हमारा लोकोमोटर सिस्टम में प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो पेशेंट को डिसेबिलिटी हुई है दैट इज़ लोकोमोटर डिसेबिलिटी. हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब पेशेंट को सुनने में प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी है दैट इज़ हियरिंग. मेंटल इलनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन यानी कि बच्चों कोई ऐसा मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर है पेशेंट को जिसकी वजह से ही इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी. नाउ ब्लाइंडनेस यानी कि उसको दिखता नहीं है, देर इज़ लो विजन और ही इज़ ब्लाइंड. ठीक है. नाउ पर्सन विथ लो विजन द मीन्स अ पर्सन विथ इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट. नेक्स्ट इज द लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन. So means any person who has been cured of leprosy but is suffering from these three conditions: loss of sensation in hands or feet, manifest deformity and paresis, and extreme physical deformity. So bachcho, these are the things, these are the different types of deformities which I was talking about in the starting of this video. तो उनको मैंने यहाँ पर briefly explain किया है. अब इनकी percentage कैसे निकाली जाती है, कैसे कैसे होता है, वो मैं आपको आने वाली videos में बताऊँगी कि different तरीके से हम disability को कैसे evaluate करते हैं with percentage. तो जो physiotherapist को disability देखनी होती है बच्चों, that is the locomotor disability.
तो वहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट इज़ ऑलवेज देयर। ठीक है, तो हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी को अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद अदर डिसेबिलिटीज ऑल्सो। मैं उनका भी आपको परसेंटेज, प्रॉपर क्राइटेरिया, जो स्टैंडर्ड होता है, वो सब बताऊँगी। बट अभी सबसे पहले आएगा आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।